ये पूरी फैमिली चोर लुटेरों की है, सारे के सारे चोर हैं, ये धंधा करती है, अपने घर वालों का खर्चा चलाती है, इसकी बहन, इसकी माँ, इसके भाई सब मिले हुए हैं। और आप एक बार बताइए, आप घर बेचकर, मैं कह रही हूं मैं एक सूट नहीं बेच सकती, 24 घंटे के अंदर ही अपना मकान बेचकर आ गई, कैसे बेच दिया, ससुराल वालों को पता नहीं चला, मतलब गुलाम हैदर की पूरी फैमिली को पता ही नहीं चला, मकान बेच दिया उसका, तो कौन था उसके पीछे, कौन थे वो लोग जो मकान बिकवाने में इसकी मदद कर रहे थे, मकान था क्या, आलू था जो तुमने एक मिनट में बेच दिया, मकान बेचती है, पासपोर्ट, 5 पासपोर्ट बनवाती है, क्योंकि ट्रेन का सफर तो है नहीं, जो उसके साथ नाम चढ़ जाता, अलग अलग पासपोर्ट बने हुए होंगे, तो मैडम मेरा पासपोर्ट दोबारा में पास, मेरा पासपोर्ट बनने में आप यकीन 6 महीने हो गए, मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, कोई ना कोई, कोई ना कुछ कमी निकल जाती, मैं इंडियन, प्रॉपर इंडियन, यानी कि बाय बर्थ इंडियन, मेरा पासपोर्ट यहां नहीं बनना जिसको दुनिया जानती है, और उस औरत का 5 पासपोर्ट लेके पाकिस्तान से वो आ जाती है, उसके पास 2 पासपोर्ट है, एक उसने सीमा के नाम पर बनवा रखा और एक सीमा हैदर के नाम पर बनवा रखा, कई उसके साथ काफी ऐसी चीजें हैं जो मशकूक हैं, जो स्पेशल, जो मतलब जो शक के दायरे में लाती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसकी फैमिली ऐसा क्यों करे, जब पाकिस्तानियों ने इसकी फैमिली को टारगेट करा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी ने इसकी फैमिली को कैप्चर करा, तो एकदम उन्होंने रुख बदल लिया, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका भाई भाई जो पाकिस्तान की फौज में था, अब ना मालूम वो कौन से तरीके हैं, कौन से जराए हैं, तो एक राजी है कि ये आई कैसे आई, क्योंकि नेपाल के रास्ते तो ये नहीं आई, ये बाया दुबई आई है, अब दुबई से कौन लाया, या तो हिंदुस्तान का कोई ना कोई पॉलिटिशियन दुबई गया और अपने प्राइवेट चार्टेड प्लेन में होगा उसके साथ यहां पर आई है, ना मालूम कैसे आई, लेकिन बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान 5 लोग आ जाते हैं और हमारे भारत को कानो कान खबर नहीं होती, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सारा का सारा मसला है क्या। बेइज्जती हमारी, कविता जी आप पूजा करती होंगी, साक्षी जी भी पूजा करती होंगी, मैं भी इबादत करती हूँ, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डाले कि मैंने रोजा रख लिया तो जी मैंने नमाज पढ़ ली, जी मैं मंदिर चले गई तो जी मैं गिरजाघर चली गई, मेरा मुल्क तो धर्मों के लिहाज से जाना जाता है, सारे धाम यहाँ पर है, बड़ी बड़ी नदी, बड़े बड़े मुकद्दस स्थल दुनिया के सब ज्यादा यही पाए जाते हैं, तो कौन सी महिला है जो ड्रामे कर रही है कि दिखा रही है कि जी हमने ये करा तो हमने वो करा, तो इस तरह तो ये धर्मों का मजाक उड़ा रही है ना, ये धर्मों को ये देखिए किस तरह गंदगी से परोस रही है, धर्म की बेइज्जती कर रही है, और बाकी भारत तो धर्म निरपेक्ष देश है, यहां पर एक सेकुलर है, आप जिस मजहब में जाएं, मेरा संविधान खुद कहता है कि मुझे धर्म को चूज करने की आजादी है, मैं चाहूं मुसलमान रहूं, मैं चाहूं सिखिज्म को अपनाऊं, मैं चाहूं नास्तिक हो जाऊं, मैं चाहे बौद्धिस्ट हो जाऊं, ये मेरा संविधान कह रहा है, लेकिन जिस तरह यहां पर धर्म का एक तरह से प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि जी आरती करी, जिसने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसने तुलसी के चारों तरफ चक्कर लगाया, जिसने व्रत रखा, तो हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं, वो क्या कभी व्रत नहीं रखती थी, क्या भारत की महिलाओं ने कभी पूजा पाठ नहीं करी, क्या वही ये तो मतलब एक तरह से दिखा रही है कि अगर भारत में, बल्कि भारत भी छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी भी औरत का अपने शौहर से पंगा होता है तो उसको छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाए, वो गेम खेले पटाए भाग जाए, तो जिंदगी जो होती है, औरत जो नाम है सेक्रीफाई का नाम है, औरत कुर्बानी का नाम है, औरत झुकने का नाम है, औरत टूटती नहीं है, झुक जाती है, औरत एक फलदार पेड़ की तरह होती है जिसपे फल आते हैं बच्चों की सूरत में, और जब फल आते हैं तो पेड़ झुकता चला जाता है लेकिन टूटता नहीं है, तो वो औरत जो एक मेरे भारत में देखे कि तमाम जितनी भी देवियां हैं वो भारतीय भारत में पाई जाती है, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो अंबी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो सरस्वती हो, इतनी देवियों के यहां पर होने के बाद एक अपोजिट मुल्क से आती है और यहां पर देवियों का मजाक उड़ा रही, तो ये हमारा मजाक है, ये आपका मजाक है, ये भारत की संस्कृति का मजाक है कि हम जिस धर्म को अपने दिल में अपनी आस्था बनाकर लेके घूमते हैं, ये उस मजहब को एक तरह से कही के अफीम बनाकर बेच रही है और लोगों की जहनियत खराब कर रही है, ये नौजवान लड़कियों की उम्र जिंदगी खराब कर रही है, लड़कों की उम्र खराब कर रही है कि बच्चे तुम फोन पे गेम खेलो, कोई भी औरत, कोई भी शादीशुदा औरत में पसंद आके ले जाओ और भाग जाओ, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ तो औरतों ने मोर्चा खोला चाहिए कि तू हमारी बेइज्जतियां लगा रही है, तेरी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, तेरी वजह से हम शक के दायरे में, हम अपने भाइयों से भी शक के दायरे में, हम अपने चौहर से भी शक के दायरे में, हम अपने दोस्तों से भी शक के दायरे में, हम अपने समाज से भी शक के दायरे में, अगर आज हम किसी मर्द से हंस के बात करते हैं तो लोग ये सोचते ओए होए अब इसके साथ भाग जाएगी, जरूर इसका किसी के साथ चक्कर होगा, क्यों, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर ऐसा देख रहे हैं मैम कि इसने सीमा हैदर ने क्या करा, किस तरह औरत की इसने गरिमा को किस तरह से तार तार कर, किस तरह से दो मुल्क में फसाद एक तरह से पैदा कर दिया, उधर से वो कह रहे हैं कि उसको लात मार के भगाओ, इधर से यहां वाले कह रहे हैं ना हम नहीं भेजेंगे तो हमारी भाभी बन गई, तो विकास की चाबी ऐसी औरतें होती हैं,
ऐसी औरतों को हम विकास की चाबी कहेंगे, ये हमारा आइडल है, ये स्ट्रीम चैनल की मतलब ये करतूते हैं कि इसकी एक चीज दिखा रही स्ट्रीम चैनल, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगी। इन 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 जैसी औरतों को जो स्ट्रीम चैनल है वो सुबह शाम परोस रहा है, ना मालूम इसके पीछे कौन सी एक साजिश है या कौन सा इसके पीछे एक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा एक एजेंडा छुपा हुआ है कि हिंदुस्तान की सरकार इसको फेंकने को तैयार नहीं। बताइए इलीगल तरीके से आई, इसके पास पासपोर्ट नहीं है, इसके पास वीजा नहीं है, ये कह रही नेपाल के जरिए आई, नेपाल में हमने सारा मालूम कर, नेपाल के जरिए नहीं आई, ना मालूम दुबई के जरिए आई, किसी के साथ प्लेन में बैठ कर आई या किसी के साथ चार्टर प्लेन में बैठ कर आई, दिल्ली में 8 लड़कों ने इसकी मदद करी, दिल्ली से 8 लड़के इसको नोएडा जाकर छुपा कर आए और पूरे 60 दिन तक ये वहां छुपी रही। 60 दिन बाद पता चलता है कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से एक औरत नोएडा में 60 दिन से अपने यार के साथ रंगलिया मना रही है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारी इंटेलिजेंसी पे, ये हमारा जो डंका बज रहा है उस डंके पे आपको नहीं लगता चोट है, हमारा डंका फाड़ दिया गया सिर्फ एक औरत के पीछे जो जाहिल है, जो कह रही पढ़ी लिखी नहीं हूं, पांचवी फेल हूं, एक पांचवी फेल चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंटरकनेक्टेड फायर से भारत आ जाते हो, हमें किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके पीछे क्या गेम है, इसके पीछे क्या साजिश है कि भारत में क्या होने वाला है नहीं पता। मैं तो लगातार गुहार लगा रही हूं, लगातार मैं इस चीज पे फोकस भी कर रही हूं, लेकिन अब क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सीमा हैदर का मुद्दा मैंने साइड में रख रखा था, तो साक्षी ने मुझसे कहा कि वो मुझे लेना चाहती है, तो मेरे ख्याल से मैं तो एक महीने बाद सीमा हैदर पे कोई इंटरव्यू दे रही हूं, नहीं तो मैंने देना बंद कर दिया था। और भी गम है जमाने में सीमा के सिवा, तो मैं दे रही थी, लेकिन मैं फिर भी अगर आप कह रही मैं फिर भी अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे यकीन करिए पाकिस्तान के कम से कम 100-150 यूट्यूब चैनल है जो मेरी इंडिया की बाइक उठाकर वहां पर लगाते हैं और सलावाते मारते हैं कि किसी भी तरह गुलाम हैदर के बच्चों को भारत से लाया जाए। उनको मतलब उनको सीमा नहीं चाहिए, उसके हस्बैंड को सीमा नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चे चाहिए, वो जिसके लिए सऊदी में पत्थर फोड़ रहा है, 90,000 रुपए कमा रहा है, उसके बच्चे यहां पर आप ही देखिए कि गंदे संदे सरों में जुए भरे फिर रहे हैं, उनको खाने की योजना पीने की योजना। कविता जी ये देखिए कि मेरी वीडियो जब पाकिस्तान में वायरल हुई तो उसको सीमा हैदर को कुछ नहीं पता था, इसने मेरे पे लाइव बनाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के चैनल्स ने मेरे यहाँ के इंटरव्यूज को लेकर वहां पर पेजेस पर लगाया, 8-9 मिलियन वहां पर वो वायरल हुई मेरी वीडियो जो शुरू की स्टार्टिंग की थी, तो वहां से इसके घर वालों ने उसको फोन लगाया कि कोई इंडिया की बंदी है जो तेरे खिलाफ बोल रही है, इसने अपने चूसे राम के साथ मेरे पे लाइव करा, मुझे धमकियां लगाने लग गए कि मैं ऐसे कर दूंगी तो मैं वैसे कर दूंगी तो मैं वैसे कर दूंगी। मैम कभी भी चोर अकेले नहीं घुसता है, उसके उसके आगे पीछे फौज होती है मैम, कोई भी चोर अकेला नहीं घुसेगा, क्या आगे भी जो फौज होती है। नहीं आप मैडम देखिए मैं इंडिया में बाई बर्थ पैदा हुई हूँ और आज माशाल्लाह मैं 39 साल की मैं माशाल्लाह हो चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रॉपर साड़ी नहीं बांध पाती, मतलब मुझे साड़ी का इतना जुनून है कि मुझे साड़ी नहीं बांध पाती, कुछ ना कुछ झोल रह जाता है, ये प्रॉपर साड़ी बांधती है, बड़ा आराम से पल्ला टिका लेती है, पता नहीं कैसे पल्ला टिक जाता है, किस लिहाज से मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग पहले चल रही थी, पहले से इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ चक्कर था, लेकिन वो कौन लोग हैं उस बात की इंक्वायरी करनी पड़ी, क्योंकि हम जासूस तो है नहीं मैडम, हम भी एक महिला है, थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं, थोड़ी समझ रखते हैं, सोचते हैं, फिक्र करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं, इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा वो कौन सा सिरा है जो आपके और हमारे हाथ या सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के हाथ अभी तक नहीं आया कि ये आई कैसे, इसकी हिंदी इतनी परफेक्ट कैसे है, ये इतने अच्छे तरीके से साड़ी कैसे बांध लेती है, ये किस लिहाज से इतनी शानदार मतलब जो एक नौटंकी सही पूजा करके दिखा रही है, तो वो समझ भी नहीं आया कि इसके पीछे इसकी मंशा क्या है, क्या राज है, ये भारत क्यों आइए, ये चीजें तमाम हमारी इंटेलिजेंसी को, हमारी जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं उन लोगों को कंफर्म करना चाहिए कि भारत की रेपुटेशन पर किस तरह यहां पर सेंध लगाकर दुश्मन देश से इसने भारत में एंट्री करी। साक्षी मैम आप पूछिए कोई क्वेश्चन, क्योंकि मेरे तो जी जी बस मैम आपने पूछिए सेम क्वेश्चन थे, मैम के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा, थैंक यू वेरी मच मैम आपने मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, खाली बच्चों की और बाप के फोन पे बात करवाने के लिए कोई लीगल तरीका अपनाइए, दैट इज माय रिक्वेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम, थोड़ा बस मेरी भी थोड़ी लाइफ बिजी रहती है, बहुत ज्यादा एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो सारे मुद्दे मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं लाते, किसी की फीस अरेंज करानी है, किसी के घर में कोई पंगा शंगा है तो उसको सॉल्व कराना है, लड़की लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनको रेस्क्यू करा के लाना पड़ता है कि मार दी जा रही है या मरने वाली है ससुराल में या मैके में, तो इस तरह के काम मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती, मेरे ज्यादातर काम इस तरह के रहते हैं और जो फर्दर मुझे टाइम मिलता है वो उसके लिए मैं देश की सेवा करती हूँ, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, मैं उसके लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ कि अगर मेरी आवाज की जरूरत पड़े तो मैं अपनी आवाज 24 घंटे उठाने को तैयार हूँ और 24 घंटे मैं अपने भारत को देने के लिए तैयार हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।